महाराष्ट्र में एनसीपी की आज एक अहम बैठक हुई जिसमें सरकार बनाने को लेकर चर्चा की गई। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा कि माननीय शरद पवार जी ने हमें मार्गदर्शन दिया। अजित पवार ने कहा कि शिवसेना से आगे की बात करेंगे। अजित पवार ने कहा कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के 5-5 सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाएगी। छगन भुजबल, अजित पवार, जयंत पाटिल जिसके सदस्य होंगे। सरकार को लेकर एनसीपी और कांग्रेस जल्द ही फैसला ले लेंगे। शिवसेना महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल चुनौती नहीं देगी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना को पर्याप्त समय नहीं देने के गवर्नर के फैसले के खिलाफ शिवसेना ने कल याचिका दायर की थी। पार्टी के वकील ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के बाद पुरानी याचिका का जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने की याचिका दाखिल करने पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को शिवसेना ने जनादेश का अपमान बताया। अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी का अहंकार चरम पर और वो हम नहीं तो कोई नहीं की पॉलिसी पर चल रही है। शिवसेना के मुताबिक बीजेपी के इनकार के बाद कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से सरकार बनाने को विष पीना जैसा बताया है। शिवसेना ने कहा है कि हम भगवान शिव की तरह ये विष पीकर नीलकंठ बनने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने को तैयार है, इसका मतलब कांग्रेस और राष्ट्रवादी का साथ देने को तैयार है। ऐसा कहा जाए तो उन्हें मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। अगर बीजेपी दिए वचन पर कायम रहती तो परिस्थिति इतनी विकट न होती। कर्नाटक के अयोग्य करार दिए गए 17 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने विधायकों को उपचुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है, लेकिन स्पीकर को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि कोर्ट ने स्पीकर का लिया विधायकों की अयोग्यता का फैसला बरकरार रखा है। इन्हीं विधायकों के विद्रोह की वजह से जेडीएस कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिर गई थी और बाद में बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में राज्य में सरकार बनाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरसीईपी में भारत के शामिल न होने पर कहा कि भारत दुनिया के दबाव में झुकने वाला नहीं है। आज का भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकने वाला नहीं है, बल्कि अपने हितों की रक्षा करने वाला भारत है। देश में नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है और इसके सूत्रधार प्रधानमंत्री मोदी हैं। उन्होंने कहा कि आरसीईपी को नकार कर मोदी जी ने देश के किसानों, उद्योगों के हितों की रक्षा की है। पाकिस्तानी गोलीबारी के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और उनकी जान बचाने में पुलिस, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और गांव के स्थानीय लोग अहम भूमिका निभाते हैं। पुंछ जिले में लगातार नियंत्रण रेखा के आसपास के क्षेत्रों के रिहायशी इलाकों में की जा रही गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं जिले में तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस भी गोलीबारी के दौरान पूरी तरह सक्रिय हो जाती है और गोलीबारी में फंसे लोगों को निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम करती है। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आज फिर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। सुबह से ही छात्र कैंपस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह काउंसिल की मीटिंग के बाद ये प्रदर्शन तेज हो गया और छात्रों ने जेएनयू में पूरी तरह से हड़ताल की चेतावनी भी दे डाली है। इसके अलावा एबीवीपी ने भी धरने का आह्वान किया है। एबीवीपी भी फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर यूजीसी का घेराव करने की योजना बना रही है। इससे पहले जेएनयू में छात्र संघ के विरोध ने हिंसक रूप ले लिया था। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस के होमगार्ड की फर्जी हाजिरी लगाकर करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। एसपी सिटी ने मामले की जांच कर खुलासा किया कि शहर के कई थानों में होमगार्ड 50% फर्जी हाजिरी लगाकर प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगा रहे थे। होमगार्ड महानिदेशक ने इसे लेकर जाँच कमेटी गठित कर दी है। मामले में होमगार्ड विभाग के कई कर्मचारी जाँच के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दफ्तर सूचना अधिकार कानून यानी आरटीआई के दायरे में आना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर आज फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। फैसला सुनाए जाने का नोटिस मंगलवार दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया गया था। संविधान पीठ ने 4 अप्रैल को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से वायु प्रदूषण लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह लोधी रोड इलाके में AQI के मुताबिक 2.5 पीएम का स्तर 500 तो पीएम 10 का स्तर 497 दर्ज किया गया, जिसे खराब श्रेणी में माना जाता है। यह स्वास्थ्य के लिहाज से भी खतरनाक है। प्रदूषण से गैस चैम्बर बने दिल्ली एनसीआर में अब लोग ताज़ा ऑक्सीजन खरीद रहे हैं। खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुकी हवा की क्वालिटी में ऑक्सीजन तो दूर, सांस लेने के बारे में कोई सोच नहीं सकता है। 15 मिनट के ऑक्सीजन के लिए पूरे 300 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ऑड इवन स्कीम को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऑड इवन स्कीम मनमानी और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है, साथ ही राजनीतिक और वोट बैंक के हथकंडे के अलावा ऑड इवन स्कीम कुछ नहीं है। याचिका नोएडा के एक वकील ने दायर की है। याचिका में दिल्ली में लागू ऑड इवन को मनमानी बताया गया है। यूपी की नोएडा अथॉरिटी ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चला रखा है। जन स्वास्थ्य की टीम ने मंगलवार को हाजीपुर सेक्टर 104 में छापा मारा, जिसमें कई दुकानदार प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। जन स्वास्थ्य की टीम ने दुकानदारों के करीब 1.5 लाख रुपए के चालान काटे। तेलंगाना के हैदराबाद में छोटी बात पर एक शख्स ने एक 7 साल के बच्चे को बुरी तरह पीटा। घटना 8 नवंबर की बताई जा रही है। मामला शहर के साइबराबाद इलाके के एक अपार्टमेंट का है। बताया जा रहा है कि पीड़ित 7 साल का बच्चा है। नाबालिग को पीटे जाने का वीडियो पार्किंग में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। आरोपी के खिलाफ IPC और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कर्नाटक की बेंगलुरु पुलिस ने भूत बनकर प्रैंक करने वाले 7 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया है। ये लोग भूतों की तरह डरावने कपड़े पहनकर और मेकअप करके रात के अंधेरे में राहगीरों को डराते थे। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक युवक जबरदस्ती राहगीरों को रोक रहे थे और उन्हें डरा रहे थे। उन्हें जमानती धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया और थाने में ही जमानत दे दी गई। डराने वाले ये प्रैंक सोशल मीडिया पर खासे ट्रेंड होते हैं। यूपी के रायबरेली में छात्रों ने महिला बाल कल्याण अधिकारी की पिटाई कर दी। शिकायत पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी जांच करने पहुंचे और बच्चों के बयान दर्ज किए। पीड़िता ने संस्था के प्रबंधक पर साजिशन छात्रों से हमला कराने का आरोप लगाया है। दरअसल सोमवार को बाल कल्याण अधिकारी ममता दुबे बच्चों को पढ़ा रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर बच्चे भड़क गए और उनके साथ हाथापाई करने लगे। एक बच्चे ने तो उन पर कुर्सी दे मारी। महिला अफसर किसी तरह बचकर बाहर निकली। बच्चों ने आरोप लगाया कि ममता दुबे उन्हें अनाथ कहकर बुलाती हैं। गुजरात की मेहसाणा में मौजूद शंकरपुर धाम में भक्त ने बहुचर माता को सोने का हार चढ़ाया। सोने का हार करीब 45 तोले सोने का है। भक्त के मुताबिक करीब 21 लाख रुपए कीमत का यह हार मन्नत पूरी होने के बाद मां को चढ़ाया है। कार्तिक महीने के दौरान माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही है। लोगों का भी मानना है कि मां के दर से कोई भी भक्त खाली नहीं जाता। टॉलीवुड एक्टर डॉक्टर राजशेखर सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। हादसा रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल में आउटर रिंग रोड पर हुआ। हादसा उस वक्त हुआ जब राजशेखर विजयवाड़ा से कार में हैदराबाद आ रहे थे। एक्टर की कार टायर फटने से पलट गई, लेकिन कार में लगे एयरबैग समय पर खुल गए, जिससे वो बाल बाल बच गए। कार में राजशेखर के साथ एक और शख्स सवार था। 2 साल पहले भी राजशेखर PVNR एयरपोर्ट एक्सप्रेस पर हुए सड़क हादसे में भी बाल बाल बचे थे। हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी मुंबई में हैं और हाल ही में कैटी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के साथ एक इवेंट में नजर आईं। कैटी और जैकलिन का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कैटी बता रही हैं कि वो बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किक देखना चाहती हैं। बता दें, कैटी मुंबई में 16 नवंबर को OnePlus म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करती नजर आएंगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कार धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये धमाका PD-15 के पास हुआ है। आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत रहीमी ने इस धमाके की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, इसीलिए फिलहाल हमले के पीछे की वजह समझ नहीं आ रही है। ये धमाका आज सुबह 8 बजे के आसपास हुआ है। पाकिस्तान में कथित रूप से ब्लैकलिस्ट में डाली गई एक अमेरिकी महिला ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उस वक्त हंगामा खड़ा कर दिया जब अधिकारियों ने उसे वापस भेजने का प्रयास किया। महिला वहीं फर्श पर लेट गई। महिला की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। महिला को काली सूची में डाले जाने की वजह का अभी तक पता नहीं चला है।